में। और आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो दरअसल वाइड रेशियो के लेके आया हूँ कि जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट है या फाइन एग्रीगेट है तो उसमें हम किस तरह से उसका वाइड रेशियो निकालेंगे। तो उसके बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे ये जो हमारा एग्रीगेट है, ये इसमें पास में ले आएँ थोड़ा सा, बिल्कुल ये जो हमारा एग्रीगेट है ये मिक्स साइज़ है, इसमें हर तरह के कण यहाँ पर इसमें मौजूद हैं। तो हम ये चाहेंगे इसका वाइड रेशियो निकालें, और वाइड रेशियो निकालने का जो फार्मूला है E बराबर वी वी अपॉन वी एस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, ये जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ओके, इनका वॉल्यूम वो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहलाएगा। और किसी भी सॉइल के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स हैं वो एयर वॉइड्स भी होंगे और उसके अंदर वाटर वॉइड्स भी होंगे। ओके, और अगर हमने सॉइल को सैचुरेट कर दिया है तो उस केस में जो वॉइड्स होंगे वो केवल वाटर के वॉइड्स होंगे, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो उसके निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो एक छोटा सा ये वाटर, ये मेजरिंग सिलेंडर है, और इसमें देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर 100 ml और यहाँ पर लिखा है आपका 10 ml, यानी कि इसकी कैपेसिटी 10 ml है। और इसकी लीस्ट काउंट क्या है, इसकी 1 ml है। लीस्ट काउंट कितनी है, 1 ml, यानी 10 ml से लेकर 20 ml तक, ये यहाँ पर 10 पार्ट हैं। तो प्रत्येक पार्ट की जो लीस्ट काउंट है वो हमारी 1 ml है। इसके बाद एक और ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें देखेंगे कि जो पानी की क्वांटिटी है वो हमारी 500 ml तक आ सकती है यहाँ पर, और इसमें जो लीस्ट काउंट है वो आपकी कितनी है, 5 ml। इसमें लीस्ट काउंट कितनी है, 5 ml। इस समय जो मैंने पानी भरा हुआ है वो देखेंगे 450 ml, और इसके बाद और ऊपर कर लें तो 470 ml आ जाती है। 450 यहाँ पर बैठ रहा है, 460 और ये 10 और, ये 470 ml इसमें पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप इसको थोड़ा क्लोजअप करके देखें, इस समय जो पानी इसमें भरा हुआ है वो 470 ml तक भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है इसमें हम एग्रीगेट डाल देंगे। देखो इस तरह से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से मैंने इसमें एक एग्रीगेट जो ख़ास तौर से डाल दिया है इस तरह से, ये एग्रीगेट मैंने डाल दिया है। और सपोज करें कि ये जो एग्रीगेट है हम थोड़ा सा और डाल दें, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है इस समय वो लगभग हमारा 50 ml तक हम इसको ले लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारा एग्रीगेट है, बहुत ही एक आसान तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। और आप देखेंगे इसमें हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किस तरह से निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम किस तरह से निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने इस तरह से इसको हिला लिया है, तो इसको हिलाने के बाद इसका जो खास तौर से वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम कितना है, 50। ये हमारा क्या है, दिस इज़ टोटल वॉल्यूम। इस टोटल वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, एयर वॉइड्स हैं, और साथ साथ इसमें क्या है हमारा, ये यहाँ पर एग्रीगेट है। ठीक है, तो एग्रीगेट का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स निकालना है। तो बाय द वे इस तरह से अगर खास तौर से एग्रीगेट हमने इसमें भर दिया है, अब यहाँ पर देखेंगे इसमें 470 ml पानी है। अब इस पानी को हम इसमें यहाँ पर डालेंगे, देखो इस तरह से, और इसकी ब्रिम तक हम इसको ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये ब्रिम तक मैं ले जाऊँगा, 470 ml पानी था इसमें, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। और 470 के बाद जब हम इसमें पानी डालेंगे इसकी ब्रिम तक, देखो इस तरह से मैं पानी डाल रहा हूँ, और बहुत आसानी से आप देखिएगा। तो अभी मैंने फ़िलहाल 50 ml तक एग्रीगेट लिया है, और इसको आप इसमें डालेंगे देखो इस तरह से, और इसकी टॉप सरफेस तक आप इस पानी को यहाँ पर डालेंगे जब तक ये पानी इसके टॉप तक ना आ जाए। और टॉप मीन्स कि जहाँ तक आपका एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट 50 ml तक है, देखिएगा ये यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पानी अभी थोड़ा सा और डालूँगा तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो अब देखेंगे ये यहाँ पर, ठीक है, अब हमने क्या किया कि 50 ml तक हमारा एग्रीगेट था, बीच में जो वॉइड्स थे वो वॉइड्स हमारे पानी से फिल हो गए, यानी पानी कहाँ पर आया, जहाँ पर इसके अंदर वॉइड्स हैं। तो एग्रीगेट का कभी भी ई का मान, यानी कि वॉइड रेशियो का मान निकालने सबसे आसान तरीका ये है। अब यहाँ पर देखेंगे, इधर ज़रा लाइएगा बिल्कुल पास में, इस समय इसकी रीडिंग क्या है, पहले 470 ml थी ना, 470 ml। तो अब इसमें यहाँ पर उठा के देखेंगे इस तरह से, 470 में आप देखेंगे 450 में, और ये 5 ml और कम हो गया है, यानी कि कितना हो गया है, 445 ml इसमें बचा हुआ है। कितना है, 445 ml, और पहले कितना था, 470, यानी 25 ml क्या हो गया, 25 ml हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे, आगे हम चलते हैं इधर, आइएगा बोर्ड पे मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसका वो निकालेंगे। तो आइएगा देखिएगा जरा, यहाँ पर बोर्ड पे लाइएगा, हमें क्या निकालना है, वॉइड रेशियो, वी ओ आई डी वाइड, आर ए टी आई ओ, दैट इज वाइड रेशियो, जिसको हम कहते हैं रिक्तता अनुपात। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, रिक्तता अनुपात, ठीक है। और रिक्तता अनुपात का मान होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई बराबर वी वी अपॉन वी एस। ई बराबर क्या है हमारा, वी वी अपॉन वी एस। अभी जो हमने डाटा निकाले, यहाँ पर देखना, हमने टोटल वॉल्यूम कितना लिया, दैट इज़ 50 ml, टोटल वॉल्यूम कितना लिया हमारा 50 ml, और जो वॉइड्स में पानी आया वी वी, वो हमारा कितना आया 25 ml, कितना आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना है 25 ml, ये इत्तेफाक है। तो अब देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो कितना हो गया आपका वी माइनस वी बी, यानी कि टोटल वॉल्यूम में से हमने वॉल्यूम ऑफ वाइट्स माइनस कर दिया, तो इसका मान कितना आ गया 50 माइनस 25, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 25 ml। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना है, दैट इज़ हाउ मच 25 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, वो भी इत्तेफाकन हमारा कितना आया, दैट इज़ 25 ml। तो यहाँ पर देखेंगे वॉइड रेशियो का मान क्या होता है, वी वी अपॉन वी एस, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे कि ई का मान क्या हो गया, यहाँ हमने दोबारा लिखा है वी वी अपॉन वी एस, और इसका मान क्या होगा, वी वी का मान हमने यहाँ निकाला है कितना 25 ml, और वी एस का मान कितना है 25, तो आंसर कितना आ गया, दैट इज़ 1। तो अगर हम कहते हैं कि वॉइड रेशियो का परसेंटेज, ई का परसेंटेज, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 100%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 25 × 25 × 100 कर देंगे, सो इट विल गिव 100% इसके अंदर वॉइड्स हैं। लेकिन हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, वी वी अपॉन वी एस, क्या कर रहे हैं हम कंपेयर, वी वी अपॉन वी एस, तो ये हमारा क्या मिल गया, वॉइड रेशियो आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब कई बार हम निकालते हैं पोरोसिटी, कई बार हम क्या निकालते हैं, सरंध्रता, सरंध्रता, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन बराबर क्या होता है, दैट इज़ वी वी अपॉन वी, एन बराबर क्या है, वी वी अपॉन वी। और देखेंगे हमारे वी वी का मान कितना है 25, वॉल्यूम वाइट्स कितना है 25 ml, और टोटल वॉल्यूम कितना है 50, और परसेंटेज में निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n परसेंटेज निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया n परसेंटेज, तो वी वी अपॉन वी इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 25/50 × 100, कितना आ गया 25 × 50, और 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही आसान तरीका है कि कहीं भी आपका पोरोसिटी का मान निकालना है, दैट इज़ वी वी अपॉन वी इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में, तो यहाँ पर हमारा वी वी का मान कितना है 25, और वी का मान कितना है, टोटल वॉल्यूम था 50, तो कितने परसेंट आ गया 50%, लेकिन वॉइड रेशियो क्या है ई, दैट इज़ वी वी अपॉन वी एस। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, जो एग्रीगेट था, देखो इस तरह से हमने किया है, यहाँ पर फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से देखिएगा, ये हमारा एक सिलेंडर है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ तक हमने एग्रीगेट भर दिया था, इस तरह से ये एग्रीगेट भर दिया, और एग्रीगेट हमारा कैसा है, कोर्स एग्रीगेट, जो पूर्णतः ड्राई है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या है हमारा, दैट इज़ वी, और इसमें हमारा क्या है, यहाँ पर देखें, दिस इज़ एग्रीगेट, ए डबल जी आर ई जी ए टी ई, और इस एग्रीगेट में क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पर हमारा वी क्या है, वी क्या है हमारा, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यही है ना, और वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, ये हमारा नॉर्मली वी वी की फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहते हैं। अब हमने एक और दूसरा मेजरिंग सिलेंडर लिया इस तरह से यहाँ पर, और इसमें हमने सपोज करें यहाँ तक हमने पानी भर लिया इस लेवल तक, ओके, और यहाँ पर सपोज करें इसका आयतन हमारा है, सपोज करें वी वन, इसका आयतन कितना है वी वन, यहाँ तक हमने क्या भर लिया, इसमें पानी भर लिया, और इसका आयतन क्या है वी वन, जो आपको मेजरिंग सिलेंडर से दिखाई दे जाएगा। हमने क्या किया, इस पानी को इसके अंदर डाला, तो जितना भी पानी है वो इसके वॉइड्स में आएगा ना,
जितना भी पानी है वो इसके वॉइड्स में आ जाएगा। तो जब ये पानी वॉइड्स में आ जाएगा तो ये पानी जब इसमें डालेंगे तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम अब यहाँ पर आ जाए, यानी कि इसको हम कहेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज वी टू, दिस इज व्हाट वी टू, यानी पानी का लेवल पहले यहाँ था, बाद में घट के आ गया। ये पानी कहाँ चला गया, इसके वॉइड्स में चला गया। तो ये पोर्शन क्या है, दिस इज नोन एज वी वी, ये क्या है हमारा वी वी। तो वी वी का मान क्या है हमारा, यहाँ पर वी वी बराबर क्या है, वी वन माइनस वी टू। ओके, तो इस केस में आपको ये मालूम है, वी मालूम है और आपका वी वी मालूम है, तो आप इस केस में क्या निकाल सकते हैं, वी एस का मान क्या हो जाएगा, वी माइनस वी वी। तो आपको वी एस का मान मालूम हो गया और वी वी का मान आपको पहले से ही मालूम है। तो इस केस में ई परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वी वी अपॉन वी एस इंटू 100, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर निकालते हैं कि पोरोसिटी का परसेंटेज, वो क्या निकालेंगे, वी वी अपॉन वी इंटू 100। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये बहुत ही एक आसान तरीका है कि किसी भी तरह के कोर्स एग्रीगेट का अगर हम वॉइड रेशियो निकालना चाहते हैं या कई बार पोरोसिटी निकालना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो और भी पास में आ जाएँ तो ताकि ये बच्चे इस चीज़ को देख सकें, और राइट हैंड पे आ जाएँ तो थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिएगा, इस तरह से ये आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा कि किसी तरह से हम जो भी एग्रीगेट है उसका वॉइड रेशियो अगर निकालना चाहें या ख़ास तौर से हम इसका पोरोसिटी निकालना चाहें, तो ये जो एक तरीका है उससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो मैंने एक वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत की है, उसमें किसी तरह का कोई भी अगर आपको कमेंट लगता है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ थैंक यू।